दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। एनआईएस डीएलएड के कोर्स सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं कोर्स 502 और कोर्स 502 के अंतर्गत इकाई 1 में विद्यालय के शुरुआती समय के दौरान अधिगम एवं शिक्षण किस प्रकार से होनी चाहिए, तो उसके अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे शिक्षण प्रक्रिया। दोस्तों इससे पहले का अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे में डिस्क्रिप्शन में पूरे कोर्स सीरीज का लिंक हमने डाल दिया है, वहां से आप जाके कोर्स 501 या कोर्स 502 के पहले वाला पार्ट पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों शिक्षण प्रक्रिया मेनली यहाँ पे कही गई कि शिक्षण क्या है और किस तरीके से यहाँ पे जो है शिक्षण को आगे बढ़ाना चाहिए। जैसा मैंने पहले आपको कहा था कि जो कोर्स 502 है इसमें आपको कुछ भी रटने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप चूंकि ये व्यवहारिक बातें इसमें ज़्यादा है तो आपको समझने की चीज़ें हैं और मेरा विश्वास है कि अधिकतर चीज़ें आप लोग यहाँ पे अपने व्यवहारिक ज्ञान से और चूँकि आप खुद शिक्षक हैं तो आप ये सब चीज़ों को जान रहे हैं, तो बस आपको एक बार गो थ्रू करने की आवश्यकता है। तो इकाई जो हमारा कोर्स 501 था उसमें बहुत सारी बातें थी जो कि हमें याद करनी थी, बहुत सारे आयोग थे, यहाँ पे व्यवहारिक बातें ज़्यादा है। तो यहाँ पे शिक्षण की प्रक्रिया अगर देखें तो तीन प्रकार की प्रक्रिया बताई गई, जिसमें पहला है व्यवहारिक रूपांतरण के लिए शिक्षण। तो यहाँ पे दोस्तों अगर जो बच्चे विद्यालय आते हैं तो यहाँ पे दो तरीके का बात लोगों होता है कि एक तरफ से कहते हैं कि बच्चे जिस प्रकार के होते हैं, जिस प्रकार के वातावरण में पले होते हैं या बच्चे का जैसा ऑब्जर्वेशन होता है उस हिसाब से बच्चे सीखते हैं। दूसरी बात ये कही गई कि बच्चे अनुकरण करके सीखते हैं। तो हालांकि ये दोनों ही बात सही है कि बच्चे के अंदर अगर कोई गुण आता है तो वो कहीं ना कहीं आपसी माहौल से ही आता है, अवलोकन से ही आता है, अनुकरण से ही आता है। तो दो चीज़ें हमने जो पिछले चैप्टर में पढ़ी थी उसका ही यहाँ पर महत्व है कि बच्चे अवलोकन करेंगे और अनुकरण करेंगे तो यहाँ पर जो है बच्चे सीख पाएंगे। तो उसी के अंतर्गत ये कहा गया कि जो है सकारात्मक पुनर्बलन, तो बच्चे को जो है समय समय पर इनाम देकर बच्चे को प्रोत्साहित किया जा सकता है, आप बच्चे से अच्छे से बात करें। और उसके बाद कहा गया तृणात्मक पुनर्बलन, तो नकारात्मक पुनर्बलन तब होता है जब निकाले गए व्यवहार के साथ किसी अप्रिय उत्पीड़न को दूर किया जाता है, इससे निकाले गए व्यवहार की घटना बढ़ जाती है, सजा की धमकी, फेल होना, छुट्टी के बाद रोक कर रख कर शर्मिंदा करना, मजाक उड़ाना, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, इससे बच्चों को दुख पहुँचता है। तो अप्रिय व्यवहार जो हो वो चीज़ें कभी नहीं की जाए, तो ये सब चीज़ें आया उसके अंतर्गत। इसके आगे आता है संज्ञानात्मक विकास के लिए शिक्षण। तो संज्ञानात्मक का शाब्दिक अर्थ है जीने की कला। तो ये जो यहाँ पे जो शिक्षण की बात की गई, पढ़ाने की बात की गई, शिक्षण प्रक्रिया की बात की गई, उसमें ये कहा गया कि बच्चे को जीने की कला सिखाई जाए। तो उसके अंतर्गत यहाँ पे विस्तृत अवस्थाओं के अनुसार कुछ समूहित किया गया आयु के अनुसार कि 0 से 2 वर्ष की आयु तक संवेदी ज्ञात्मक काल होता है, गत्यात्मक संवेदी गत्यात्मक काल होता है, 2 से 7 वर्ष की आयु तक पूर्व संक्रिया काल होता है, 7 से 11 या 12 वर्ष की आयु तक स्थूल संक्रिया काल होता है और 11 या 12 से 14 से 15 की आयु तक औपचारिक संक्रिया काल होता है। तो ये 4 काल बच्चों में कहा गया। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो 0 से 2 वर्ष की आयु है उसमें बच्चों में बुद्धिमत्ता का जो है विकास उस समय में होता है और जो नज़दीकी घटनाएं हैं उससे बच्चे सीखते हैं, ना ही कोई भाषा और ना ही कोई विचार, उस समय तो बच्चे की कोई भाषा नहीं होती है तो सब कुछ फ्रेश होता है। और उसके आगे अगर देखें 2 से 7 साल में तो वहाँ पे केंद्रित विचार बच्चे में आता है क्योंकि 0 से 2 वर्ष में बच्चे जो ऑब्जर्व करते हैं उसके बाद वो उस तरीके से वो अपने विचारों को केंद्रित करते हैं और आगे उसी हिसाब से बच्चे आगे बढ़ते हैं। और उसमें उसी के अंतर्गत आता है ग्रहण बोध के आधार पर तर्क वितर्क, तो जो भी बच्चे सीखे हैं उसके आधार पर बच्चे तर्क वितर्क करते हैं और तर्कपूर्ण समाधान की अपेक्षा सहज बोध से समाधान करना संरक्षित करने के अयोग्य। तो यहाँ पे बच्चे जो भी सीखे हैं उस हिसाब से बच्चे तर्क करेंगे, तो उससे आप जब बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो कितने सहज तरीके से, कितने इजी तरीके से किसी बात को आप समझा सकते हैं, वो यहाँ पे इसलिए इसे बोध काल कहा जाता है, सहज बोधनीय काल। इसके आगे आता है 7 से 11 या 12 वर्ष तक के बीच, तो इस बच्चे में जो है इस समय में संरक्षण करने की योग्यता बच्चों में होती है जो कि पहले में नहीं थी, संख्याएं बच्चे यहाँ पे समझने लगते हैं और विचारों का यहाँ पे बच्चों में विकास होने लगता है। और उसके बाद 11 से के बाद 12 के बाद 15 वर्ष तक जो है
विचारों का संपूर्ण सामान्यीकरण होने लगता है, जो अब बच्चे जो है वैचारिक अभिव्यक्ति रखने लगते हैं और जो भी स्थिति होती है उससे बच्चे समझने लगते हैं और आदर्शवाद का भी विकास होता है। बच्चे ये चीज़ सीखते हैं कि किनसे हमें क्या सीखना चाहिए, जैसा वहाँ पे तरीका होता है, जैसे वहाँ पे इन्वायरमेंट होती है उस हिसाब से बच्चे आगे होते हैं। उसके आगे कहा गया संरक्षण, तो संरक्षण से यह तात्पर्य है कि कोई भी संख्या या मात्रा तब तक नहीं बदली जाती जब तक कि उसमें कुछ जोड़ा या घटाया नहीं जाए, चाहे वस्तुओं का या वस्तुओं के भंडार की स्थिति का स्थान बदलना हो। उदाहरण के तौर पर संख्याओं के संरक्षण की जांच को मोतियों के दो ढेर के द्वारा समझा जा सकता है। तो आकार वन में अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो मोतियों की व्यवस्था यदि पूर्व संक्रिया काल में इन दो व्यवस्थाओं के बीच को दिखाया जाता है तो लगभग सभी बच्चे ढेर बी में अधिक मोती बताएंगे, क्योंकि अभी तक उनकी संख्याओं के संरक्षण की योग्यता का विकास नहीं हुआ है। तो मतलब उनका ये कहना है, चूंकि ये बहुत जो यहाँ पे अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो यहाँ पे बी में जो एक लाइन से रखा हुआ है तो उसमें बच्चे को लगेगा कि ज़्यादा है, और ए में यहाँ पे चूंकि एक जगह रखा हुआ है तो बच्चे को लगेगा कि कम है। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये विकास जो है बच्चों को एक एज के बाद होता है, तो उसका यहाँ पे वर्गीकरण और श्रेणीकरण, तो एक सामान्य वस्तुओं को एक निश्चित क्रम की व्यवस्था करने की योग्यता बढ़ते या घटते क्रम में श्रेणीकरण कहते हैं। तो और वर्गीकरण वस्तुओं की सामान्यता एवं विभिन्नता के अनुसार सामूहिकरण करना वर्गीकरण कहलाता है। इससे वस्तुओं की विभिन्न विशेषताएं जैसे आकार, आकृति, रंग, वजन, उपयोग, सामग्री आदि तुलनाएं वर्गीकरण में शामिल होती है। तो ये वर्गीकरण और श्रेणीकरण बच्चों में यहाँ पे पता चले बच्चों को क्या कौन सा यहाँ पे ज़्यादा है संख्या है, कौन सा कम संख्या है, एक ही संख्या को किस प्रकार से जो है यहाँ पे क्रमबद्ध तरीके से रखा गया है, ये सब चीज़ें बच्चे को यहाँ पे बताने की जरूरत है। आगे अगर इसमें देखें तो सामाजिक भाषण 3 से 4 वर्ष की आयु से पहले दूसरे को नियंत्रित करने के लिए विस्तृत रूप से उपयोग तथा सामान्य अवधारणा की अभिव्यक्ति। अहम केंद्रित भाषण 3 से 7 वर्ष की आयु तक, इसमें बच्चा अक्सर अपने बारे में बात करता है और ऊंचे स्वर में बोलता है। इसमें बच्चा स्वयं अपने व्यवहार को नियंत्रित एवं निर्देशित करने की भूमिका निभाता है 3 से 7 वर्ष में। और उसके बाद 7 वर्ष की आयु से जो ऊपर जब हो जाता है तो अंदरूनी मन के अंदर भाषण, तो 7 वर्ष के बाद यह एक बिना बोला हुआ संवाद है जो विचार और व्यवहार को नियंत्रित करता है। तो 7 वर्ष तक जब बच्चे होते हैं तो बच्चे चूंकि बहुत छोटे होते हैं तो वो ऊंची भाषा में बात करते हैं और उनकी समझने की शक्ति उतनी नहीं होती है, लेकिन 7 वर्ष के बाद बच्चे में समझने की शक्ति आ जाती है। तो बच्चे अब देखेंगे, आप लोग कहते होंगे कि बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो कम बोलता है, बच्चे में बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है, तो ये चीज़ें यहाँ पे जो है 7 वर्ष के बाद आगे बढ़ने के बाद बच्चे में ज़्यादा विकास होता है और उस समय बच्चों को ऑब्जर्व करने की आवश्यकता है और वो किस तरीके की एक्टिविटी करता है वहाँ पे उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगला पॉइंट इसमें आता है अनुभव निर्माण के लिए शिक्षण। अब जो है बच्चों को अनुभव निर्माण किस प्रकार से किया जाए, तो एक विद्यार्थी अपने ज्ञान का निर्माण अपने वातावरण के साथ परस्पर क्रिया के आधार पर करता है। वातावरण से बच्चे की सक्रियता से ही ज्ञान की संरचना होती है, ना कि अकृता से। वातावरण से प्राप्त बच्चे के अनुभवों के द्वारा लगातार रूपांतरित एवं स्वीकार आधारित प्रक्रिया जानने के लिए आना है। तो ज्ञान के निर्माण की ये प्रक्रियाएं जो है घटित होती है कि नए विचार जब बच्चे में आते हैं तो उसको पूर्व ज्ञान अनुभवों से जोड़ना ये नए ज्ञान को संरचित करता है। तो जब जो बच्चे पहले से जानते हैं अगर उससे रिलेट कर पाएंगे कि ये चीज़ें इस तरीके से काम कर रही है तो बच्चे ज़्यादा सीखेंगे कि हाँ, तभी बच्चे मान लीजिए 5% सीखे थे, आगे अगर उससे रिलेट कर पाएंगे उस 5% से तो अभी के 95% को सीखने में बच्चे को आसानी होगी। उसी तरीके से यहाँ पे सामाजिक विषय पर और जो भी जो है सामाजिक समूह के मुद्दे हैं और सामाजिक परस्पर जो क्रिया प्रक्रिया होते हैं तो बच्चे के विभिन्न सांस्कृतिक वास्तविक समस्याओं को समझने में मदद करती है। वह प्रश्न पूछता है, दूसरों के प्रश्नों का उत्तर देता है, समस्या पर ध्यान केंद्रित करता है। तो ये सब चीज़ें अगर आप देखें तो 7 वर्ष के बाद बच्चों में आने लगती है। तो एक अध्यापक के नाते अपने विद्यार्थियों में के ज्ञान संरचना में आपको एक अहम भूमिका निभानी चाहिए। बिना आदेश दिए उन्हें नई अवधारणाओं को सीखने में मदद करनी चाहिए और बच्चों के प्रति आपको संवेदनशील होना चाहिए और मन में जो है बच्चे मन ही मन कोई चीज़ को सोचे, इस चीज़ का क्षमता का विकास करना चाहिए बच्चों में। सद्भावनापूर्ण मिलजुल कर रहने की बात कहनी चाहिए और समाज में बच्चे का किस प्रकार से नज़रिया हो, किसी चीज़ को देखने का नज़रिया कैसा हो, अच्छे गलत को पहचानने का कैसा नज़रिया हो,
ये चीजें बच्चे में विकसित करनी चाहिए। तो दोस्तों ये सब चीजें हैं जो आपको यहाँ पे बच्चों के साथ आपको जो है, जैसे एक और हो गया कि नजदीकी वातावरण में जितना संभव हो सके विषय वस्तु का अनुभव प्रदान करना, विद्यार्थियों को वास्तविक संस्कारी कार्य के लिए देना, कक्षा में प्रत्येक बच्चे के प्रति अनुभव के प्रति संवेदनशील होना। कि मान लीजिए कोई बच्चे का मतलब क्या होता है कि कोई बच्चे अगर किसी चीज पे जवाब देते हैं और उस पर अगर बाकी बच्चे हंस देते हैं और आप उसे प्रोत्साहन देते हैं तो इससे बच्चे में जो है विकास नहीं होता है, बच्चे वहां से पीछे होने लगते हैं और उन्हें लगता है कि आगे से अगर वो जानेंगे भी तो वही नहीं बोलेंगे। तो कितना संवेदनशील और कितना कंफर्टेबल माहौल आप बना सकते हैं ये यहाँ पे महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये शिक्षण की प्रक्रिया समाप्त होती है। तो तीन यहाँ पे पॉइंट था, इस तीन पॉइंट को ही बस आपको मेन याद रखना है और उसमें जो भी आएगा तो आप खुद से तो उसमें लिख ही सकते हैं, ओवरव्यू नॉलेज आपको आ ही गया। तो अगला टॉपिक से हम लोग आगे पढ़ेंगे दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, वहां से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन आएगा उसे दबा देंगे तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं नए वीडियो में, दीजिए इजाजत, बाय बाय, जय हिंद।